हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ हेमंत सुमन और आप देख रहे हैं साइंस क्लासेस। यह क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 4 है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिन्हें हम बाई कार्बोनेट्स भी कहते हैं, यह एसिड्स के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं या एसिड्स के साथ इनकी रिएक्शन क्या होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको जानना ज़रूरी है कि ये कार्बोनेट्स क्या होते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं। तो आपने 9th क्लास में मोनो एटोमिक और पॉली एटोमिक आयंस के बारे में पढ़ा है। तो ये जो कार्बोनेट है, जैसे यहाँ नीचे लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट इज CO3 2- आयन होता है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट HCO3- आयन होता है। यह दोनों एनायंस हैं, ठीक है, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको क्या कहते हैं, एनायंस। ओके गाइस, सो लेट स्टार्ट नाउ। यहाँ पर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन को शो करने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 2.5, टेक 2 टेस्ट ट्यूब। आपको सबसे पहले 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, लेवल देम एस ए एंड बी, और उनको ए और बी लेवल करना है। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब ए एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको एक में सोडियम कार्बोनेट लेना है N2CO3 और दूसरी में NaHCO3 लेना है 0.55 ग्राम। देन एड अबाउट 2 ml ऑफ डायल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। अब इनके बाद हम दोनों टेस्ट ट्यूब में डायल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड उनमें डालेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या उसमें ऑब्जर्व कर पाते हैं। पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच गैस थ्रू लाइम वाटर। हम वहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कुछ गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब वो गैस कौन सी है, क्या है, उसको भी हमें टेस्ट करना होगा। जैसे हमने ऊपर वाली रिएक्शन में देखा था कि वहाँ पर हाइड्रोजन मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो H2 गैस प्रोड्यूस होती है, और उसको हमने उसके पास जो हाइड्रोजन के बुलबुले थे उसके बाद बर्निंग स्प्रिंकलर लाकर, बर्निंग कैंडल लाकर उसको हमने चेक किया था, तो उसमें जो है पॉप साउंड में सुनाई देता है। इसी तरह से यहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस होती है वो कौन सी गैस है, इसका पता लगाने के लिए हम इसके पास, जैसे डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये एक स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड पर ही हमने टेस्ट ट्यूब फिट की है। टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम कार्बोनेट डाला है और उसी में डाइल्यूट HCl भी डाला है। उन दोनों की रिएक्शन होती है, गैस बनती है, गैस डिलीवरी ट्यूब से पास होती है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आती है, जिसमें क्या भरा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, H1 फिगर, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और आपको अपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या रिएक्शन होती है, द रिएक्शन अकरिंग इन द अबव एक्टिविटी आर रिटर्न एस टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए जिसमें हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है, उसमें HCl डालने पर सोडियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है और CO2 गैस रिलीज होती है। ध्यान दीजिए यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2 गैस रिलीज होती है। टेस्ट ट्यूब बी में जिसमें हमने सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था, इसमें HCl डालते हैं, इसे डालने के बाद यहाँ भी NaCl बनता है, H2O बनता है और साथ में CO2 गैस यहाँ भी रिलीज होती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मेटल कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट क्या है, मेटल का कार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट ये क्या है, एक मेटल का बाइकार्बोनेट है। तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। यहाँ पर आपको याद रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कौन सी गैस रिलीज होती है, तो क्यों हमारा जो कार्बोनेट होता है उसमें CO3 होता है ना, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि जब मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से हमारे एसिड्स की रिएक्शन होगी तो वहाँ पर CO2 ज़रूर निकलेगी, ठीक है, या CO2 ज़रूर फॉर्म होगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है हमारा, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड्स, है ना। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर होगा व्हेन मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म साल्ट वाटर एंड इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस इज टेक्स प्लेस, ठीक है। देन ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर,
अब हमने जैसे एक्टिविटी पे बताया गया है कि CO2 गैस प्रोड्यूस हुई, फिर हमने उसको लाइम वाटर की टेस्ट ट्यूब में पास किया, तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होती है इसको भी हम देख लेते हैं। CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं, प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2। तो यहाँ पर जो है लाइम वाटर में CO2 गैस को पास करने पर हमारे टेस्ट ट्यूब में एक वाइट प्रसिपिटेट, प्रसिपिटेट को हम PPT भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, एक वाइट प्रसिपिटेट बन जाता है, जो क्या होता है एक्चुअली में कैल्शियम कार्बोनेट होता है और साथ में वाटर फॉर्म होता है। तो यदि हमें CO2 की पहचान करनी है कि किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी रिएक्शन में CO2 इवॉल्व होती है, CO2 वहाँ पर पाई जाती है, CO2 फॉर्म होती है, तो उसकी पहचान करने के लिए ये एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। और यहीं पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारा, व्हाट इज दैट क्वेश्चन, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस। आप CO2 गैस का जो टेस्ट है वो कैसे लगाएंगे, तो आप लाइम वाटर में जैसे ही CO2 गैस पास करते हैं तो उसमें वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। इससे पहले हमने चैप्टर 1 में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बनी है, तो व्हाट इज प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट आर इनसोल्यूबल कंपाउंड्स। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, एक्चुअली दे आर इनसोल्यूबल कंपाउंड्स। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमें आगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में फिर देखने को मिलेगा लाइव प्रोसेस में। ठीक है, ध्यान रखिए कि लाइम वाटर में CO2 पास करने पर एक वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, जिसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके गाइस, अब हम आगे चलते हैं। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। यदि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन लगातार चलती रहेगी और एक्सेस मात्रा में CO2 लाइम वाटर में पास होती रहेगी, तो वहाँ पर पहले से मौजूद इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 से रिएक्शन करेगा। वाटर भी वहाँ पर पहले से फॉर्म हो चुकी है, जैसे कि ऊपर की रिएक्शन में हम देख चुके हैं, तो यहाँ पर एक नया पदार्थ बन जाएगा जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, CaHCO3 होल ट्वाइस। लाइम स्टोन, चाक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो लाइम स्टोन है, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कह रहे हैं, ये किस रूप में पाया जाता है, ये हमारे आसपास होता है, तो ये चौक के रूप में, मार्बल के रूप में भी हमारे आसपास होता है। ठीक है, लाइम स्टोन को हम चूना पत्थर कहते हैं, चौक और मार्बल के रूप में भी कैल्शियम कार्बोनेट हमारे आसपास होता है। और मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव करेस्पॉन्डिंग साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हम यहाँ पर ये स्टडी कर चुके हैं कि कोई भी मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो एसिड से रिएक्शन करके साल्ट वाटर एंड CO2 प्रोड्यूस करता है, और उसके लिए हमारे पास एक कॉमन रिएक्शन आ जाती है, दिस इज़ द कॉमन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखिए, कहीं भी आपको कोई सा भी मेटल कार्बन, सोडियम की जगह कैल्शियम कार्बोनेट भी मिल सकता है ना, और कोई भी मेटल का कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल सकता है, तो आपको एसिड भी यहाँ पर चेंज हो सकता है कोई भी, है ना। तो आपको क्या बनाना है, करेस्पॉन्डिंग साल्ट बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को रिलीज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ पर भी हमारे पास दो क्वेश्चन बन जाते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन फर्स्ट इज, व्हाट हैपन्स व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पासिंग ओवर द कैल्शियम कार्बोनेट। यदि कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर अधिक मात्रा में CO2 पास होती है, तो क्या होता है, वहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना होगा। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बन जाता है, दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द कॉमन रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डू एसिड एंड बेसेज रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन करवानी है, और वो कैसे रिएक्शन कर पाते हैं। टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन। फिनोप्थेलिन आप याद कीजिए, हमने पार्ट नंबर 2 में फिनोप्थेलिन का जो है आपको टेस्ट दिखाया था। फिनोप्थेलिन क्या है, एक तरह का सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, और इसका जो रिएक्शन कलर था
वो भी हमने आपको दिखाया था एक बार, और फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिनोप्थेलिन दिया गया है। फिनोप्थेलिन इज ओरिजिनल कलर, इसका कलरलेस होता है। एसिड में ये कलरलेस ही रहता है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन बेस के साथ यह पिंक कलर देता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा एक पिंक कलर फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसी को हमको यहाँ पर यूज करना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज़ द कलर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें पता है फिनोप्थेलिन डालने के बाद हम एनओएच में डाल रहे हैं। एनओएच क्या है, हमारा एक बेस है। ठीक है, एनओएच में फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन डालते हैं, यहाँ पर क्या कलर आ जाएगा, तो वो पिंक कलर आ जाएगा। व्हाट इज़ द कलर ऑफ सॉल्यूशन, तो हमारा सॉल्यूशन का कलर हो गया है पिंक। एड डाइल्यूट एचसीएल सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब हम उस टेस्ट ट्यूब में बूंद बूंद करके, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक ड्रॉप करके एचसीएल सॉल्यूशन धीरे धीरे डालेंगे। तो आपको पता है कि इसमें पहले से फिनोप्थेलिन इंडिकेटर मौजूद है हमारा, जो कि बेस के साथ रिएक्शन करके पिंक कलर दे चुका है। अब हमें पता है कि फिनोप्थेलिन जो होता है एचसीएल या एसिड के साथ कलरलेस रहता है, कोई कलर फॉर्म नहीं करता है। तो यहाँ पर एसिड की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, तो पिंक कलर जो होगा उसका कलर धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाएगा, वो हल्का पड़ने लगेगा। इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, यस वी विल सी देयर इज कलर चेंज इन रिएक्शन मिक्सचर ऑन एडिंग एचसीएल सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन। व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोप्थेलिन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कई बार डायरेक्ट, कि ये रिएक्शन मिक्सचर में अगर हम एसिड डाल रहे हैं तो उसका कलर चेंज क्यों हो रहा है, पिंक से वो कलरलेस क्यों होता जा रहा है, धीरे धीरे कलर फेड क्यों होता जा रहा है। तो उसका रीज़न एक ही है कि यहाँ पर एसिड जो है बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, और वो बेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ख़त्म कर रहा है। ठीक है, नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर। यदि हम वापस उसमें और NaOH डाल देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, जो कि एक बेस है, तो क्या होगा, उसका पिंक कलर जो था वो वापस से उभर कर सामने आएगा, और हमें और अच्छा उसमें पिंक कलर देखने को मिलेगा। डज द पिंक कलर फिनोप्थेलिन रीअपियर, क्या वो फिर से रीअपियर होता है, यस। वाई डू यू थिंक दिस हैपन, तो आपको क्या लगता है ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, उसी के कारण ये सब होता है। इन द अबव एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ अ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि जो बेस है, ठीक है, उसका इफेक्ट कौन नलिफाई करता है, नलिफाई करना मतलब समाप्त करना, कैंसिल करना, ख़त्म करना। तो ये बेस का जो इफेक्ट है उसको एसिड ख़त्म करता है, और फिर यदि एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसके इफेक्ट को बेस ख़त्म करता है। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटर्न एस, और यहाँ पर जो रिएक्शन होती है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, NaOH प्लस HCl गिव राइज टू NaCl प्लस H2O, है ना। तो एसिड और बेस की रिएक्शन होने पर साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है, ये आपको लिख कर रखना है, लर्न करना है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव अ साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है वो क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन जनरल अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज बेस प्लस एसिड गिव राइज टू साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये एक कॉमन रिएक्शन है जो किसी भी बेसिड या किसी भी बेस को मिलाने पर हमेशा हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो कॉमन रिएक्शंस है ये आप अच्छे से लिख कर याद करें, अपने नोट्स में लिख कर रखें, इन्हीं की हेल्प से आप कोई भी रिएक्शन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन और नोट कर सकते हैं, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। आपको एक एक कम से कम एक एक एग्जांपल हर टाइप की रिएक्शंस के आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो आप जैसे कॉमन एसिड है HCl, कॉमन बेस है NaOH, दोनों की रिएक्शन करा दो तो साल्ट एंड वाटर यहाँ पर बनते हैं, या लिख सकते हैं ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर टेक्स प्लेस। ठीक है, नाउ इससे आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 5 में। ओके, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके।